मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पेज नंबर 38 में प्रश्न नंबर घ। सही जोड़े बनाकर वाक्य पूरा करके नीचे लिखिए। ठीक है, हमें कुछ वाक्य दिए, इनके जोड़े बनाने और उन्हें नीचे लिखने। ठीक है, पहला है मैं कुर्सी पर, इसको किससे मिलाएंगे, बैठूंगी। ठीक, फिर है पंखा, पंखे को चल रहा है। ठीक, फिर है मैं झूठ नहीं, इसको मिलाएंगे बोलता। फिर है बादल, बादल को मिलाएंगे गरज रहे हैं। फिर है निखिल बांसुरी बजाता है। फिर नीचे लिखेंगे जिन वाक्यों को हमने मिलाए हैं, ठीक है, उन्हें हमें नीचे लिखने हैं। मैं कुर्सी पर बैठूंगी, पंखा चल रहा है, मैं झूठ नहीं बोलता, बादल गरज रहे हैं, निखिल बांसुरी बजाता है। ठीक, फिर आपके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है क्रिया की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर क्या है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि काम हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, हम क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे प्रश्न नंबर दो है, क्रिया के बिना वाक्य कैसा लगता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या है, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा व अस्पष्ट होता है। ठीक, क्रिया के बिना वाक्य कैसे होंगे, अधूरे होंगे और अस्पष्ट होंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है,